देखने को मिल जा रही है, साथ ही साथ टप्पा टप की भी एंट्री होती हुई। एंड इस वक्त जोनाथन थोड़ा अग्रेसिव गेम प्ले दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल पुश करते हुए। गमला बॉय को यहाँ डाउन किया जा चुका है, जोनाथन अपने आप को जल्द से जल्द हील करना चाहेंगे। एंड पुकार हमें सामने नजर आ रहे हैं उनके, एंड स्विबल्स का इस्तेमाल करने का ये बिल्कुल सही समय रहेगा जब सामने वाली टीम कंपाउंड्स के अंदर हो एंड आपके पास कुछ ज्यादा बेहतर कवर ना हो उस कंपाउंड तक पहुंच पाने के लिए। तो एक ओपनिंग अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको उस वक्त बिल्कुल थ्रोएबल्स पर डिपेंड कर रहना पड़ता है। जोनाथन अपने आप को थोड़ा पीछे लेकर जा रहे हैं, शायद व्हीकल के साथ एक स्लैम इन देखने को हमें मिलेगा, थोड़ा सा यहां से मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर रेड आउट की टीम भी जल्दी एंट्री लेगी एंड इस वक्त बराज हमें देखने को मिल जा रहे हैं कारिल के साथ, जोनाथन देखने को मिलते हैं। फाइट यहाँ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, विवेक को भी डाउन किया जा चुका है, जॉर्ड जी गॉड यहाँ पर बिल्कुल से नजर आएंगे अपने साथ, यहाँ एक स्मोक लेकर जाने वाले हैं एंड उसी वक्त अपने आप को हील भी करना चाहेंगे। डाउन प्लेयर को रेव देने की अगर स्ट्रैटेजी यहाँ लगाई जाती है तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वाइपर बहुत ही ज्यादा क्लोज है, चार फिनिश पॉइंट्स यहाँ वाइपर निकाल चुके हैं क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक हमें सिर्फ तीन देखने को मिले थे। डेफिनेटली यहाँ एक बढ़िया थर्ड पार्टी इनकी तरफ से हमें देखने को मिली होगी एंड एक और टीम की आखिरकार यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। रिवेंज के प्लेयर्स हमें आसपास नजर आते हुए एंड अब टपा टप के लिए मुश्किलें होने वाली है क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने आप को प्रॉपर तरीके से हील नहीं किया है, शायद अभी अपने आप को अपने प्लेयर्स को अभी उन्होंने रेव दिया है। तो लेट्स सी किस तरीके से यहां पर फाइट लेते हैं रिवेंज के प्लेयर्स। बिल्कुल, अगर बात करें तो वाइपर ने मौके की तलाश में थे एंड काफी अच्छे तरीके से एक का थर्ड पार्टी स्प्रे आती है उनके तरफ से, फिनिश पॉइंट निकाल जाता है स्काईलाइट के लिए। मुश्किल हुआ क्योंकि टीम टॉपर तक भी उनके बैक साइड थे, फ्रंट साइड में वाइपर थे, दोनों यहां पर बात करें एक टाइप स्प्रे आता है मुश्किल में डाला गया, लेकिन उसी वक्त रिवेंज की एंट्री आ चुकी है। टीम टपाटप को इसके अगेंस्ट आना पड़ेगा, काफी अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन के लिए जाने देते हैं, जंप करके स्प्रे बैरल का करेंगे, एक प्लेयर को डाउन करेंगे, क्या दूसरे प्लेयर को डाउन करेंगे, उससे पहले हेल्थ रिकवर करने की इनको जरूरत है, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे हटेंगे, क्राउड पोजीशन फाइनली एंट्री, लेकिन इस बार नॉक आउट किया जाएगा एंड फिनिश भी साथ ही साथ करेंगे। दूसरी तरफ बात करें सुनामी अपने यूआईपी भी स्विच करेंगे, जंप करेंगे, स्प्रे करेंगे सामने से रेड आउट के, वासु की तरफ से पूरी टीम यहां पे मुश्किल में अपने आप को पा रहे हैं, लेकिन रिवेंज की टीम को एलिमिनेट करते हैं एंड फाइनल स्प्रे आएगा सोल वाइपर। यहां पे बात करें तो